Hello everyone, so welcome you all. This is the last video of unit number 12 electricity और हमारा last topic बचता है that is heating effect of electric current and power. So we will do in this video. So welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. If you like my videos, अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं then please like my videos and if you are new to the channel then subscribe my channel. And if you want to get any notification regarding my study mantra, then you can press bell icon also. Okay, so welcome you all. We will start chapter 12 electricity. Last topic, that is heating effect of electric current. Okay. तो बेटा जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेट करते हैं जैसे अभी नाइन्थ में हमें पता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको चेंज किया जाता है, ये आपकी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती. तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं सो व्हाट विल बी हैपन, सपोज अगर मुझे लाइट को जलाना है, मुझे फैन को ऑन करना है, तो मैं बटन को प्रेस करूंगी तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मींस यूजफुल वर्क टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ आपका फैन. वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में, और उसने आपके फैन के जो ब्लेड है उनको रोटेट किया. सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सेम एज अगर आप बल्ब चलाते हो या कोई और डिवाइसेस यूज करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. तो जो एनर्जी होती है इट इज अ फॉर्म विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. बट वॉट विल बी हैपन ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, सपोज मैं मोबाइल चार्ज कर रही हूँ या मैं फैन चला रही हूँ या मैंने लाइट को ऑन कर रखा है, आप देखो चाहे अपना टैब आप अपना जो है उसको चार्ज करो या मोबाइल को चार्ज करो तो चार्जिंग हो रही है, बट उसके साथ साथ आपकी वो डिवाइस क्या हो जाती है, हीटेड अप हो जाती है. फैन है चलता रहेगा, आप उसको टच करके देखो तो वो हीटेड अप हो जाता है. और सेम एज बल्ब भी आप उसको भी थोड़ी देर तक यूज़ करो एंड देन ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. तो ऐसे क्या होता है, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो बेटा सारी एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू द यूजफुल फॉर्म, वो जो एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इट इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जो हम चाहते हैं उसमें ये एनर्जी पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं होती. सम फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसमें से कुछ एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, डिवाइसेस में कंजर्व हो जाती है. मींस अगर सपोज आपने, मैं आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल कि अगर आपने 100 किलोवाट जो भी है जूल की एनर्जी ली हुई है तो 80% आपकी उसमें से ट्रांसफर हो गई टू रोटेट द ब्लेड ऑफ द फैन या टू लाइट ऑफ द बल्ब, बट 20% अमाउंट इट गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो आपकी हीट की फॉर्म में उसमें क्या हो जाएगी, आपकी कंजर्व हो जाएगी. एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो बेटा वो जो एनर्जी है ये क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाती है, कंजर्व हो जाती है. इस इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट जूल्स और उन्होंने अपना लॉ दिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, जिसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. क्लियर? तो चलो हम करते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या. अब आप समझो कि सपोज मैं किसी भी डिवाइस, हम मैंने कंडक्टर ले रखा है ओके, और मैं इसको बैटरी से कन्वर्ट कनेक्ट कर रही हूँ, और जैसे मैं बल्ब इसमें होते हैं, आपको मैंने पहले बता रखा था कि आयंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, जैसे मैं बैटरी को ऑन करती हूँ तो यहाँ से करंट जाती है ठीक है, और इस करंट ये करंट आपके यहाँ से पास होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, मीन्स आपका अगर हम बैटरी मैंने यूज़ की है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. कहाँ मूव करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है. जैसे मैं बैटरी कनेक्ट करूंगी तो होगा क्या कि ये आप इसमें ये क्या सेटअप करेगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगी. अब हाँ,
ये चीज आपकी वैसे हायर स्टैंडर्ड की है, बट फिर भी मैं बता दूं कि जब भी बैटरी होती है तो बैटरी के अंदर केमिकल होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्विच आप ऑन करते हो तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। मीन्स एक जो है पोर वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है, और इस इलेक्ट्रॉन की लूजिंग एंड गेनिंग से इनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जहाँ पर आपका हाई पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से कहाँ मूव कर जाते हैं, जहाँ पे लो पोटेंशियल होता है उस साइड मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो बैटरी का काम यही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी या करंट कैन बी ड्रन। ठीक है, ओके। अब देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कहीं ना कहीं इनमें कोलिजन भी होगा, ये आपस में टकराएंगे, और उन टकराने की वजह से क्या क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस। मैंने कहा था ना हर एक कंडक्टर का अपना एक कंडक्टिविटी होती है, अपना एक रेजिस्टेंस होता है। क्यों? जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, भिड़ते हैं, देन इट विल क्रिएट आपका रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग होती है। क्लियर? सेम एज जैसे आप इसको फ्रेज करो तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कोलाइड कर रहे हो ना, इसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। सेम इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हीटिंग आपकी जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो कोलिजन है वो है क्या, एक्चुअली इट इज रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि आपकी जो हीटिंग है वो किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन के आपस में कोलिजन की वजह से, टकराने की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीटिंग होगी। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, तो बेटा हम कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका रेजिस्टेंस। किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपकी हीट, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्लियर? सेकेंड थिंग है, सपोज मैं बोलूं आपसे कि आपके पास टू बल्ब है, और एक बल्ब को मैं बोलती हूँ चलो इसको 1 आवर के लिए ऑन कर लो, एंड द नेक्स्ट वन को मैं बोलूँ 2 आवर के लिए ऑन कर लो, और फिर आप उसको टच करके देखो और मुझे बताओ कि उसमें से कौन सा बल्ब है जो आपका ज्यादा हीटेड होगा। ये सिंपल चीज है, मोबाइल को मैं बोलूँ कि इसको 10 मिनट, दो मोबाइल है, इसको 10 मिनट आप इसको चार्ज करो, दूसरे को मैं बोलूँ 20 मिनट चार्ज करो, सो व्हाट विल बी हैपन, व्हिच विल गेट इट, मतलब जो आपका हीटेड अप होगा दैट कौन सा मोबाइल हीटेड अप मोर होगा। इट इज वेरी सिंपल, जिसको आप ज्यादा टाइम के लिए आप उसको चार्ज करोगे, या वो बल्ब आपका हीटेड अप ज्यादा होगा जिसको आप ज्यादा टाइम के लिए ग्लो करोगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हीट है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन, उस टाइम के प्रोपोर्शनल है जितने टाइम के लिए करंट आपकी फ्लो हो रही है। क्लियर? द थर्ड पॉइंट बेटा, हीट जो है, मैंने आपको क्या बोला कि हीट किस वजह से होती है, कि जो उसमें से करंट आपके पास हो रही है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा कोलिजन, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा आपका हीटिंग, रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हीटिंग। तो बेटा जितने नंबर ऑफ, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से किस वजह से मूव करेंगे, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ करंट, करंट विल प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अगर मैं करंट को ज्यादा पास करूं इसमें से, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, जितना कोलाइड करेंगे उतना ही ज्यादा आपका हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। सिंपल इट इज। तो मैं क्या कहती हूँ, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बट करंट क्या है यहाँ पर, बात सिर्फ 200 इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर उस करंट को हम स्क्वायर लेंगे, क्लियर, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रॉन के, मैंने बोला ना 100-200 इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही, इट इज टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, अब मैं तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो हीटिंग यानी कि जो हीट दैट इज प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ दैट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर एंड टी, तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि द हीट विच इज द एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन थ्रू द सर्किट।
सो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? कि द एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, मीन्स हीट एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जो उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिव एंड द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन थ्रू द सर्किट. सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज क्लियर नाउ? क्लियर इट इज? ओके, सो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके बन सकते हैं. क्या क्या बन सकते हैं? लेट्स सी, इसको अगर मैं IRT लिख लूं, ओके, तो ये IR किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू VIT. सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट. मैं क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपने देखना है कि उन्होंने क्या पूछा हुआ है. ओके, वहां पर आपने देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है. तो अगर उन्होंने जो भी आपको डिजिट की वैल्यू दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करके इसको निकाल सकते हो. क्लियर? ठीक है, ओके. तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया I²RT, सेकेंड फॉर्मूला हो गया VIT, एंड थर्ड फॉर्मूला I की जगह मैं V²/R² लिख सकती हूँ. I=V/R लिख सकती हूँ ना, ठीक है, into RT. RR कट हो गया, सो H=V². ठीक है, तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. तो ये तीन फॉर्मूलाज आपने याद रखने हीटिंग इफेक्ट के लिए. क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज H=I²RT, ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला इज H=VIT, एंड थर्ड फॉर्मूला इज H=V²/RT. ठीक है, ओके. सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसकी हम एप्लीकेशन समझें कि भाई हम इस क्योंकि देखो ना, तो आपको रिक्वायरमेंट है कि फैन के जो ब्लेड मूव हो रहे हैं तो वहां पर हीट एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप मोबाइल चार्जर कर रहे हो तो चार्ज हो रहा, उसमें हीटिंग का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर्म. लेकिन उस हीट को अगर मैं चाहूँ कि भी मुझे इसको अप्लाई करना है, कहीं कहीं यूज करना है, कहीं ना कहीं हम इस हीट को कहीं यूजेबल फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन है इसकी गीजर, हीटर, ठीक है, आपका माइक्रोवेव, जहां पर हम क्या करते हैं, या तो एलॉय यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो नेचुरल है कि वो आपका हीट को क्या करेगा, रेजिस्टेंस वगैरह, तो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, और उस हीट को हम यूज कर सकते हैं इन द यूजेबल फॉर्म, लाइक आपने गीजर में यूज किया उसको पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक रॉड में यूज किया पानी गर्म करने के लिए, ठीक है, तो जो आपका माइक्रोवेव है उसमें खाना पकाने के लिए. तो ये आपका क्या है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. कि भाई हम क्यों हीट को वेस्ट करें, व्हाई नॉट वी यूज इट इन यूजेबल फॉर्म, क्यों ना हम इसको ऐसे कर लें कि हम इसको कहीं ना कहीं यूज कर सके. तो वहां पर हम कुछ डिवाइसेस बनाई गई जो कि इसके ऊपर वर्क करती हैं, जिसमें आपका मोस्टली एलॉय यूज होता है. अगर आप अपने ये डिवाइसेस हैं इनको ध्यान से देखोगे तो उसमें कोई मेटल नहीं है, दे आर यूजिंग एलॉय, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं मेटल से ज्यादा होती है, और जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो वो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आपका प्रोड्यूस करेगा, और उस हीटिंग को हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पस, फॉर बेकिंग आपका फूड, या उसको गर्म करना, फॉर मेकिंग आपका जो है इलेक्ट्रिक आयरन, ऑल्सो आयरन आपने करने हैं तो वहां पर भी वी कैन यूज इट, पानी को अगर आपने गर्म करना है तो वी कैन यूज इट. क्लियर? सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसके लिए हम डिवाइसेस में क्या यूज करते हैं, मेटल यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं, तो योर आंसर विल बी एलॉय. व्हाई? बिकॉज एलॉय हैज हायर रेजिस्टिविटी देन आपका मेटल. क्लियर इट इज? नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विच कम्स आउट, दैट इज आपका फ्यूज. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज, मीन्स हमारे डोमेस्टिक सर्किट का पूरा जो सर्किट है हमारा, तो वो हमारा पैरेलल अरेंजमेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है,
उनकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं कि उसमें से सेम करंट फ्लो करे, बट फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाई? बिकॉज बेटा कहीं भी सपोज आप सेम टाइम पे आप काफी डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आपने आयरन भी ऑन कर रखा है, गीजर ऑन कर रखा है, फ्रिज ऑन है, माइक्रोवेव में कुछ पक रहा है, तो बेटा एक साथ जब आप इतनी सारी डिवाइसेज यूज करते हो तो बहुत सारा आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है, बहुत सारा करंट आपका फ्लो करेगा। तो जब उसमें से बहुत सारा करंट फ्लो करता है तो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो डिवाइसेस आपकी खराब हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएगा और वो डिवाइसेस खराब हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता, फ्यूज जो है दैट इज मेड अप ऑफ आपका, हम उसको फ्यूज को ऐसे बनाते हैं कि जिसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का बना होता है, या तो फिर आपका ऐसे मेटल का जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे ही हाई लोडेड करंट उसमें से पास होती है तो उसका वायर जो है वो टूट जाता है। और सीरीज का ये है कि मैंने आपको बताया था कि सेम करंट हर एक उसे फ्लो करती है, अगर बीच में से कोई वायर टूट गया तो फिर ये पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है। आपकी जो वो आती है ना दिवाली में डेकोरेशन वाली लाइटें, तो आप देखते हो ना कि उसमें से अगर कुछ बल्ब जो सीरीज में होती हैं उनमें से कहीं अगर एक तार वार उसका जरा सा हो गया तो पूरी की पूरी वो आपकी जो लड़ होती है वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में होती है। तो सीरीज का यही है कि कहीं से एक वायर टूटा तो सारी डिवाइसेस है अपने आप स्टॉप हो जाती है वर्किंग करना। तो जब फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाता है, अगर उसमें से ज्यादा करंट पास होती है, तो फिर क्या होता है कि आपका डिवाइस जो है मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से डिवाइस है वो आपका सेफ हो जाता है, वो खराब नहीं होता। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज। सेकेंड थिंग बल्ब, बल्ब में जो हम फिलामेंट यूज करते हैं दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। व्हाई वी यूज टंगस्टन? बिकॉज टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और बल्ब में हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करना, हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। बट फिर भी आपको मैंने बताया कि कुछ ना कुछ फॉर्म इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो हीट कहीं ना कहीं उस वायर को मेल्ट ना कर दे, तो इस वजह से उसको हम टंगस्टन का बनाते हैं। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3340 के अराउंड होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो इजिली मेल्ट नहीं होता और आपका बल्ब ग्लो करता है। उसके साथ साथ हम उसके अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर भी देते हैं कि कहीं किसे कोई प्रॉब्लम ना हो बल्ब में, ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द लास्ट टॉपिक विच इज पावर। तो पावर इज पावर है क्या? एक्चुअली पावर जो है पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? द वर्क विच इज डन फॉर मूविंग चार्ज, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस था ना, ठीक है, क्लियर। पावर एक्चुअली है क्या कि जो हीट आपकी डिसिपेट, द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द एनर्जी कंजर्व या डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब हीट की, हीट एनर्जी की रेट का मतलब समझते हो, जब उसको पर टाइम हम मेजर करते हैं, जहां भी ये वर्ड लिखा जाए ना रेट, रेट ऑफ हीट, जो आपकी हीट जो हो रही है ना डिसिपेटेड हीट, उसको हम पावर कहते हैं। सिंपल सी चीज, मतलब कितने टाइम के लिए आपकी ये हीट जो है डिसिपेटेड हो रही है, दैट इज आपका पावर, ठीक है। बहुत सिंपल सा है पावर की डेफिनेशन। और आप इससे क्या होगा, इससे बहुत इजीली आपके सारे आपके फॉर्मूलाज निकल आएंगे। क्यों? आपको एच का फॉर्मूला पता है, फर्स्ट आपका फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, यहाँ भी टी है, तो जो भी आपके हीट के फॉर्मूले हैं ना उसमें से आप टी टी हटाते जाओ तो वो पावर के फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको इसका सेकेंड फॉर्मूला लिखाया था वी आई टी लिखाया था ना, तो अगर मुझे पावर का निकालना है तो क्या होगा, टी से डिवाइड वी आई, इसका फॉर्मूला क्या हो गया पावर का, मीन्स हीट के एंड पावर के फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उसमें से टी हटाते जाना। जैसे यहां पर फॉर्मूला हो गया पावर का आई स्क्वायर आर, यहां पर फॉर्मूला हो गया पावर का वी आई, ठीक है। और मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, हाँ वी स्क्वायर अपॉन आर टी बताया था, तो ये भी कट गया, ये भी थर्ड फॉर्मूला हो गया आपका पावर का। सो इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, इट इज अ रेट ऑफ हीट, डिसिपेटेड हीट, ये हीट की रेट है, और रेट का मतलब है कि
कि हम टाइम पे मेजर करते हैं कि कितने टाइम के लिए आपकी कंजर्व हुई, डेसिपेटेड हुई, तो वो हम क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। क्लियर? ठीक है कि भाई इसमें कितना पावर है, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होगा कि हीट वाले फॉर्मूलाज को टी से डिवाइड कर दो तो वो आपके पावर के सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। पावर की जो यूनिट होती है दैट इज वॉट। ठीक है, और 1 kW इज इक्वल टू होता है 1000 W। ठीक है, ओके। और आपसे कोई पूछे 1 kW व आर, तो आपको आर का पता चला है कि मतलब कि 1 hour के लिए आपकी 1 kW की एनर्जी देना, तो आपको पता है आर में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड होते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 kW वार की आपकी जूल में हो जाएगी। ये तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपकी जूल। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि भी हमारे घर में जो आती है तो किलोवाट पार जो है पावर हाउस में होती है, तो आपको सारी यूनिट का पता होना चाहिए। छोटी यूनिट वॉट होती है जो हमारे घर में आती है, बड़ी यूनिट आपकी किलोवाट होती है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कि समटाइम दे आस्क जो है आपका डेरिवेशन ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग, सो इट्स वेरी इजी, इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, अब देखो बेटा वर्क डन, आपको पता है कि वर्क क्या है, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट इज इक्वल टू एनर्जी, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की, तो हम यहां पर इसको हीट ले सकते हैं इज इक्वल टू वी क्यू। हो गया, वी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और क्यू किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, यहां पे लिख देती हूँ, वी इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओमला, और क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी। सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत इजी है। क्या है आपका, सिंपल सा है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सो डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वी क्यू के। अब ये वर्क जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर जिस एनर्जी की बात हो रही है वो हो रही है हीट एनर्जी की, सो हीट लिख दो इज इक्वल टू वी क्यू, वी का फॉर्मूला ओपन कर दो, क्यू का ओपन कर दो, ये आपका हीट जूल लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन हो गया। इट्स वेरी इजी, क्लियर? ठीक है तो बेटा, और अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप अपने आप से ट्राई कर लेना, और फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज, सो आई विल शॉर्ट आउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्लियर? सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।